जिनका नाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लिया जाता है, जिन पर श्रद्धा लोगों की अटूट और अवर्णनीय है, जिनको लोग पुरुषादान्य यानी उत्तम पुरुष कहते हैं और जिनके शायद भारत भर में सबसे ज्यादा तीर्थ है, सबसे ज्यादा मंदिर है, वैसे तीन लोक के नाथ धर्मेंद्र पद्मावती परिपूजित ऐसे 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के बारे में आज हम कुछ जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, ये प्रस्तुति शेयर करना ना भूले और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पार्श्वनाथ दादा ग्रीष्म ऋतु के पहले महीने के प्रथम पक्ष में चैत्रवदी चौथ के दिन मध्य रात्रि में जब विशाखा नक्षत्र के साथ चंद्र का योग था, यानी चंद्र जब विशाखा नक्षत्र में था, तब प्राणात नाम के 10वें देवलोक में से 20 सागरोपम के आयु को पूर्ण करके भगवान का च्यवन हुआ था, यानी अपनी माता की कुक्षी में प्रवेश हुआ था और आज के बनारस यानी वाराणसी नगरी में यह हुआ था। उनके पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामा देवी था और आज के दिन तकरीबन 2970 साल पहले पोषवदी दशम के मध्य रात्रि में उसी नक्षत्र में 9 महीने और 7 दिन की अवधि पूर्ण करके पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ। आखिर पार्श्वनाथ भगवान का नाम पार्श्वनाथ क्यों पड़ा? जब प्रभु पार्श्व माता के गर्भ में थे तब वामा माता ने एक काले नाग को अपने पास से जाते हुए देखा था और इसी कारण से भगवान का नाम पार्श्व रखा गया। भगवान का प्रसेंजित राजा की पुत्री प्रभावती के साथ विवाह हुआ। एक बार झरोके में पार्श्वनाथ भगवान खड़े थे और नीचे से बहुत सारे लोग गांव के बाहर जा रहे थे। उनको देखकर पार्श्वनाथ भगवान को, जो जब गृहस्थ अवस्था में थे, उन्हें जिज्ञासा हुई कि आखिर ये सब इतने सारे लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और पूछा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। सेवक ने कहा कि पंचाग्नि तप का कष्ट सहते हुए कमट नाम के तापस की पूजा करने के लिए ये नगरजन जा रहे हैं। आखिर ये पंचाग्नि तप होता क्या है? ऊपर सूर्य की अग्नि और चारों बाजुओं से लकड़ों को जलाने के कारण अग्नि, इस तरह से कुल 5 दिशाओं में जो अग्नि है उसके बीच में साधक खड़ा होकर उस गर्मी को सहन करता है और ऐसी सब चीजों को देखकर जैसे हमें सर्कस में मजा आता है वैसे नगरजनों को मजा आता था। वे धीरे धीरे उस तापस की कमट की पूजा करने लगे। पार्श्वनाथ भगवान को यह पता चला, कमट एक दरिद्री अनाथ था, दयाशील लोगों ने उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा किया। नगर के दूसरे लोगों को सजे धजे देख कर कमट को एक बार विचार आया, पूर्व भव में इन लोगों ने की हुई तप साधना के प्रभाव से इन लोगों ने आज ये समृद्धि प्राप्त की है, तो मैं भी तप करूं। इसी इच्छा से प्रेरित होकर पंचाग्नि तप का प्रारंभ किया। महातपस्वी कमट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह वाराणसी में आया था, इसीलिए ही लोग उसकी पूजा करने जा रहे थे। भगवान भी परिवार सहित वहां पहुंचे। कमट के अज्ञान के कष्ट पर और अग्नि में रखे हुए लकड़ियों में जल रहे एक नाग पर भगवान को दया आई। प्रभु ने कमट से कहा कि दया नाम की नदी के किनारे समस्त धर्म की तृण यानी घास और अंकुरों की उपज होती है। यदि दया नदी सूख जाती है तो धर्म का अंकुर भी ज्यादा समय जी नहीं सकता, क्योंकि उसे दया नाम का पानी नहीं मिलता। अर्थात समस्त धर्म में मुख्य है दया। परंतु ऐसा कहते हैं कि अच्छी सीख बहुत कम लोगों को सूझती है और समझ आती है, और यही कमट के साथ भी हुआ। जब भी मानव आगे बढ़ने की कोशिश करता है तब उसका मान उसे अटका देता है, अभिमान उसे लटका देता है। अभिमान एक ऐसा भूत है जो साये की तरह हमारे साथ ही रहता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ फंस गए हैं। यही चीज कमट के साथ हुई। प्रभु ने समझाने की कोशिश की, परंतु अभिमानी कमट ने ये राजकुमार क्या धर्म समझेगा ये सोचकर प्रभु की बात को स्वीकार करने के बजाय वाद विवाद का आरंभ कर दिया। जब धर्म की रक्षा का प्रश्न आता है तब सच्चाई को बाहर लाना वो हर एक सज्जन व्यक्ति का कर्तव्य है, और भगवान ने भी यही सोचा। तब प्रभु ने सेवक के द्वारा अग्नि से लकड़ी को निकलवाई और उसे तुड़वाई। आधा जला हुआ नाग उस लकड़ी में से बाहर निकला। उस नाग को सेवक के द्वारा नवकार मंत्र सुनवाकर और खुद की बहती हुई अमाप करुणा धारा के द्वारा उस पर दृष्टिपात करके सांत्वना देकर आग से जले हुए नाग को प्रभु ने समाधि मरण दिया। वह नाग समाधि पूर्वक काल करके मृत्यु को प्राप्त करके सिर्फ नवकार के प्रभाव से एक नाग इंद्र धर्णेन्द्र बना। इस ओर भगवान तो यह कार्य करके चले गए, पर कमट का अभिमान चूर चूर हो गया और लोगों की दृष्टि में भी कमट नीच साबित हुआ। लोगों की हंसी तथा उपहास को सहते हुए कमट जंगल में तप अनशन करके मेघ कुमार नाम की जाति का मेघमाली देव बना।
प्रभु के ज्ञान से चकित जन समुदाय के द्वारा प्रभु स्तवना किए गए। एक बार बगीचे में पार्श्वनाथ भगवान गए। भगवान नेमिना जी की राजमती से विवाह के लिए निकलती हुई और आधे रास्ते से पुनः लौटने वाली बारात का दृश्य या चित्र देखकर यही दृश्य प्रभावती रानी को दिखाकर दीक्षा की भावना व्यक्त की। भगवान की आयु तब 30 वर्ष की थी। भगवान ने पोषवदी 11 के दिन दीक्षा ग्रहण की। 300 पुरुषों के साथ उन्होंने दीक्षा ली। भगवान को अपने जीवन काल में प्रभु महावीर की तरह बहुत उपसर्ग तो नहीं आए, परंतु ऐसा कहा जाता है कि वैर के बीज जब उगते हैं, जब वटवृक्ष बनते हैं, तो उनका विपाक, उनका फल भल भले को सहन करना ही पड़ता है, फिर चाहे सामने स्वयं प्रभु ही क्यों ना हो। भगवान को तापस कमट जो मेघमाली बन चुका था उसके द्वारा ही उपसर्ग आया था। आइए देखते हैं क्या हुआ था। उस समय विहार करते करते भगवान एक तापस के आश्रम में पहुंचे। वहां एक कुएं के पास वट वृक्ष के नीचे रात्रि के समय कायोत्सर्ग प्रतिमा में ध्यान मस्त थे। उधर देव मेघमाली को अपने पूर्व भव के अपमान का स्मरण हुआ और वह क्रोध के कारण लाल पीला हो गया। भगवान पर उपसर्ग करने के लिए वो वहां पर आ पहुंचा। बाघ बिच्छू इत्यादि के उपद्रव से त्रस्त करने के पश्चात भी भगवान को अविचल तथा निर्भय देखकर उसने प्रचंड बादलों का निर्माण किया। कल्पांत काल यानी कि जब कलिकाल बुरा काल पूर्ण होता है, जैसे पांचवें आरे के अंत में खराब बरसात होती है, उसी तरह उसने बरसात बरसानी शुरू की। भयंकर बादलों की आवाज गरजने लगी। गड़गड़ाते हुए बादलों में बिजलियां कड़कने लगी। अल्प समय में तो जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ते हुए प्रभु की नासिका यानी नाक तक पहुंच चुका था। पर किसी पर किया हुआ उपकार आज नहीं तो कल काम आता ही है। उसी समय धर्णेन्द्र का आसन कंपायमान होने लगा। ये वही धर्णेन्द्र था जो नाग के रूप में पंचाग्नि में जल गया था और पार्श्वनाथ प्रभु ने जिसे समाधि मरण दिया था। प्रभु पर उपसर्ग हो रहे हैं ये जानकर स्वयं धर्णेन्द्र अपनी पट्ट रानी पद्मावती के साथ और अन्य रानियों के साथ वहां आए। भगवान के पैरों तले कमल बनवाकर भगवान को जल की सतह से ऊंचा कर दिया। अपनी फनाओं को फैलाकर भगवान के मस्तक को छत्र से ढांक दिया। इसके पश्चात ये सब देखकर मेघमाली हड़बड़ा सा गया और धर्मेंद्र ने क्रोधित होकर सख्त शब्दों में मेघमाली को फटकार लगाई। मेघमाली का हृदय भय से कंपने लगा। मेघमाली प्रभु के शरण में आ पहुंचा। धर्मेंद्र ने प्रभु भक्ति की, परंतु पार्श्वनाथ भगवान मध्यस्थ थे। कमट के उपसर्ग से दुखी भी नहीं हुए और धर्मेंद्र की भक्ति से खुश भी नहीं हुए। इसीलिए तो हम कहते हैं, कमठे धर्मेंद्रे च स्वोचितम कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यः मनोवृत्ति पार्श्वनाथाय श्रेयस्तु वः। अर्थात कमट और धर्मेंद्र ने खुद की उचित क्रिया करने पर भी जो भगवान मध्यस्थ रहे, वैसे पार्श्वनाथ भगवान हमारे कल्याण के लिए हो। बस यही प्रार्थना के साथ इस प्रस्तुति को पूर्ण विराम हम देते हैं। कल पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। हम कल पार्श्वनाथ भगवान से संबंधित एक ऐसी घटना देखेंगे जो हम सभी के हृदय के एकदम करीब है, लेकिन शायद अनजान और अनसुनी हो सकती है। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।